Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिनकी फिल्में चले न चले लेकिन उनका स्वैग हमेशा टॉप पर रहता है। सलमान की किसी भी फिल्म की अनाउंसमेंट होते ही सोशल मीडिया पर उसे वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगती। एक्टर इन दिनों दो चीजों को लेकर खास लाइमलाइट में है, जिसमें से एक वजह उनकी फिल्म सिकंदर है। हाल ही में सिकंदर में सलमान खान के दोस्त और टाइगर जिंदा है में उनके साथ काम कर चुके एक्टर नवाब शाह के शामिल होने की खबर आई थी। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके की थी। फिल्म में रश्मिका मंदाना की एंट्री भी पहले ही कंफर्म हो चुकी थी। वहीं अब साउथ की एक और एक्ट्रेस की एंट्री सलमान खान की फिल्म में पक्की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिकंदर फिल्म की कास्ट में काजल अग्रवाल को शामिल किया गया है। AR मुर्गदास के निर्देशन में बनकर तैयार होने वाली सिकंदर में सलमान खान उस व्यक्ति का किरदार निभाएंगे जो गलत के साथ गलत और सही के साथ सही है। वो भ्रष्टाचार जैसी चीजों के खिलाफ हैं और इसमें शामिल लोगों से अच्छी तरह निपटना जानता है। यानी सिकंदर मूवी में एक्शन का भरपूर डोज देखने को मिलेगा। बात करें काजल अग्रवाल की तो वो कौन सा रोल प्ले करेंगी इस पर तो कोई जानकारी नहीं है, मगर उनकी एंट्री पक्की बताई जा रही है। एक्ट्रेस ने एक बार सलमान खान के साथ काम करने की इच्छा भी जताई थी। रश्मिका और काजल के अलावा सिकंदर मूवी में कटप्पा यानी सत्यराज और प्रतीक बब्बर भी होंगे। प्रतीक फिल्म में नेगेटिव शेड कैरेक्टर निभाएंगे। सिकंदर फिल्म ईद 2025 में रिलीज होगी।